दोस्तों तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे जो है आपको बीएड का फॉर्म भरना है और कहाँ से भरना है मैंने सारा बताया था सिलेबस से बताया था कितने पैसे लेंगे और मैंने इस वीडियो में बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे थे आपको पूरे सिलेबस को और जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से एनालिसिस करना है एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी टॉपिक्स है उसको अलग से क्या करना है कॉपी में लिख लेना जैसे हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया मैथ हो गया रीजनिंग हो गया टीचिंग अवेयरनेस हो गया और भी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको बढ़िया से एक दो बार क्या करना है देख लेना है क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो मैंने वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है आप जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और लास्ट में मैंने क्या किया उसका आंसर भी दे दिया है तो आप मिलाइएगा ठीक है तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं पिछले साल जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरह के क्वेश्चन थे आपको एग्ज़ाम देने से पहले ये आपको जरूर देखने चाहिए तो देखिए यहां पर दिया हुआ ये सीरीज ए सेक्शन में बटे होते हैं ए बी सी डी करके ऐसे चार पांच में होते हैं और ये देखिए पूरे 120 क्वेश्चन होते हैं और वन वन मार्क्स होते हैं यहाँ पर दिया गया है कि देखिए प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें व्हाइटनर का प्रयोग एकदम नहीं करना है ठीक है और अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखना है एक सौ बीस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं परीक्षा प्रारंभ होने पर प्रश्न पुस्तिका आपको दे दी जाएगी पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न पुस्तिका खोलने तथा उनकी निम्नलिखित जांच के लिए दिए जाएंगे मतलब आपको पहले तो दे दिया जाएगा और जब टाइम होगा तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि अब आप क्वेश्चन को खोलें एक बिल्कुल पैक रहेगा वो क्वेश्चन कहीं से वहाँ पर छूटा हुआ नहीं रहेगा ठीक ना बिल्कुल कि आप खोल के देख सकते नहीं वो बिल्कुल पैक रहता है जैसे घर में कोई भी लेटर आता है तो पैक रहता है बिल्कुल उस तरह से यहाँ भी होता है कि आपका पूरे क्वेश्चन पेपर क्या होंगे पैक होंगे फिर टाइम होगा टाइम के बाद क्या होगा खोला जाएगा खोलिए उसको ठीक है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है आपको सेक्शन एक में है कि जनरल इंग्लिश कंप्रेंसन है पहले क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द फोर च्वाइसेज गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन दैट फ्लोज मतलब इसको पढ़िए पढ़ने के बाद क्या करना है आपको कि इसको सॉल्व करना है ठीक तो है ये क्वेश्चन है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल पढ़िए ऑप्शन दिया हुआ आपका यहाँ देखिए दो तीन चार पाँच यानी कि पैसेज से आपके पाँच क्वेश्चन हो गए ठीक है और इसी मैं आपको सीरो नेम्स दिया हुआ कि सीरो ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग मैं इसका अभी आंसर डाल दूंगा इसी वीडियो के अंत में आप उसे मिला लेना ठीक है तो देखना कि फर्स्ट टाइम अगर आप सपोज सपोजी एग्जाम में बैठे हो तो आप चेक करना है कि मेरा इसमें से कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया मतलब बिना भी तैयारी किए हुए एक बार जरूर ट्राई करना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस अ स्ट्रॉग डिसलाइक आपको देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है ठीक है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं ठीक है देखिएगा इसको और लॉज ऑफ मेमोरी यानी एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द बोलते हैं इसको ठीक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सॉरी ये नौ हो गया और दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये देखिए तो इंग्लिश से पंद्रह क्वेश्चन हो गए ठीक है अब बात करते हैं सेक्शन टू में जनरल हिंदी यहाँ भी आप पढ़िए इसको पढ़ने के बाद क्या कीजिए इसका आंसर दीजिए ठीक है काफ़ी इजी होते हैं कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते क्वेश्चन ठीक है बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई ठीक है तो पंद्रह क्वेश्चन इंग्लिश से हो गया ठीक है ध्यान देना इस बात को अभी देखिए अब पंद्रह के बाद यहाँ देखिए सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस देखिए सर्वनाम है पर्यावरित शब्द हैं आग का तारा मुहावरे भी दिए रहते हैं ठीक है बस आपको ध्यान दे रहा है कि मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये देखिए आँख का तारा तारण मुहावरे पूछ रहे हैं मुहावरे आपको पढ़ना होगा प्यावचित शब्द पढ़ना होगा सर्वनाम शब्द के बारे में बताया सर्वनाम पढ़ना होगा आपको तद्भव समाज के बारे में पढ़ना है ठीक है मैंने भी पढ़ मैंने भी पढ़ा था और मैं पूरे हिंदी के जितने भी सिलेबस थे इसका मैंने देख के गया था तो अच्छे खासे मेरे नंबर्स आए थे और मैं सेटिस्फाइड था तो आप लोग अपना पढ़ के जाना है और यहाँ देखिए दर्शनीय प्रत्यय यानी उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है संधि विच्छेद पढ़ना है बिलोम्स पढ़ना है ठीक है तो ये वेट्रोल तीस यानी पंद्रह हिंदी हो गए आपके ठीक है तो मिला जुला के आपको समझिए संज्ञा स्वनाम विशेषण उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद सर्वनाम ठीक है समास मेन समास पढ़ लेना है और सर्वनाम पढ़ लेना है बढ़िया ढंग से ठीक है अब देखिए ये लॉजिकल एनालिटिकल एनलागिक, रीजनिंग जो आपको कुछ क्वेश्चन है मैथ के यदि आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो आपको यहाँ नंबर बहुत अच्छे खाते चलाएंगे ठीक है ये देखिए ये लगभग कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ से आपके ये हो गया टोटल आपके फोर्टी फाइव हो गए वहाँ तीस तक था और ये पचास हो गया भैया ये यह हो गया पचपन हाँ लगभग कितने हो गए पचपन हो गया ठीक है यानी लगभग पच्चीस क्वेश्चन हो गया आपके रीजनिंग के फिर देखिए सेक्शन फोर में समान जानकारी मतलब आपको थोड़ा सा साइंस और भी कुछ मिला के जो होते हैं ना उसके बारे में ना दिया गया आपका देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जी के दिया हुआ आपका तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन है आपके पास कुछ ज़्यादा खास नहीं तो क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय प्रेम प्रेस दिवस है बेंजिन है यदि आपका फेस कमेशर अच्छा है किस की कमी से स्कर्वी रोग होता है जीवाणु जनित रोग क्या है शुद्ध सोना कितने कैट का होता है लोहा का या कौन है तो ये सब टेंथ तक के क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड नहीं है ठीक है यहाँ आप देख सकते हो और ये देखिए दिल्ली के शासक दिल्ली के साथ शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है ललित कला अकादमी तो यदि आपके पास बुक्स हैं जैसे में ये लूसेंट है लूसेंट पढ़ लो आप स्पीडी पढ़ लो ठीक है तो बहुत अच्छे खासे नंबर चलेंगे और यदि आपका साइंस स्ट्रांग है शुरू से तो टेंशन नहीं है ठीक है थोड़े से कॉमर्स से जो पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना होगा ठीक है मेन वही है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा क्या होगा मेहनत करना पड़ेगा बाकी साइंस वाले आर्ट्स के लिए उतना सोचना नहीं है क्योंकि साइंस वाले का साइंस स्ट्रॉग होता है आर्ट्स वाले का आर्ट्स स्ट्रॉन्ग है जो मतलब वो कवर कर लेंगे लेकिन थोड़े से कॉमर्स वाले को यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग आपको सब चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको फिर से तीधे क्वेश्चन कितने हैं टोटल हो गए टोटल आपको क्वेश्चन हो गए पंचन में नाइनटी फाइव क्वेश्चन होंगे तो लगभग चालीस क्वेश्चन जो है लगभग आपको मिलेंगे जीके जी एस से लास्ट में आपका क्या है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट चूंकि आपका टीचर का एग्जाम है तो वो देखना चा, परखना चाहता है कि आप टीचिंग लाइन में उतरने से पहले आप कैसे सोचते हैं क्या करते हैं ठीक है क्या समझते हैं ठीक है टीचिंग में आने से पहले तो ये कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा ये आपको ले लेने हैं क्वेश्चन बैंक लेने हैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं उसको ले लेने हैं पढ़ने हैं आपको ये देखिए टोटल वन ट्वेंटी क्वेश्चन ये आपको लास्ट है और ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता तो है पंचानवे के बाद हिसाब लगा लीजिए आप लगभग पच्चीस क्वेश्चन तो पच्चीस क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं टोटल कितने हो गए तो टोटल जो है आपके क्वेश्चन हो गए वन ट्वेंटी जिसमें आप देख देखा आपने कि हिंदी जो है वो आपको पचास सॉरी हिंदी कितने थे हिंदी पंद्रह क्वेश्चन हिंदी थे सॉरी पंद्रह हिंदी था और इंग्लिश हो गया पंद्रह हो गया ठीक है जीके जी था आपका लगभग पैंतालीस का स्पर्स था रीजनिंग था लगभग आपका देख लेना फिर से मिलाइएगा आप लोग ठीक है पच्चीस क्वेश्चन मैथ का था क्वेश्चन ठीक है मिला जुला करता था दोनों साथ में और फिर आपका ये हो गया लास्ट में आपका पच्चीस क्वेश्चन हो गया टीचिंग प्रोफेशन से ठीक टो है यानी आपके टोटल एक सौ बीस क्वेश्चन हो गए आपको बस टारगेट रखना है करना है क्या है, क्या है कि भैया आपको करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है ठीक है ध्यान से सुनिए क्वेश्चन बैंक जो है ना ये ही आपको एग्जाम में नंबर लीड कराएंगे तो वन ट्वेंटी में यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको टारगेट रखना है हंड्रेड प्लस ठीक है ये कौन क्या बताता है यूट्यूब पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है मैंने एग्जाम दिया और मैं बता रहा हूँ कि भाई सौ प्लस होना चाहिए तुम्हारे नंबर तभी चांस है कि सरकारी स्कूल मिलेंगे और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड खर्च होंगे वरना रख के चलो कि डेढ़ लाख रुपए लगने वाले हैं ठीक है ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना है ठीक है नहीं तो फिर और सरकारी आपको आ गया जो नाइन्टी थाउजेंड लेंगे ठीक है तो नंबर आना चाहिए भाई पहले, पहले नंबर आना चाहिए ठीक ना फोकस करो नंबर हो पहले एग्जाम पर ये तो बात की चीज़ है कि आपके पैसे की बात की चीज़ हो पहले आपको नंबर आना चाहिए और पढ़ाई पहले होना चाहिए मजबूत ढंग से ठीक है एग्जाम देने जा रहे हो वैसे ही नहीं निकल जाना है हाँ और थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ के जाना है ठीक है करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं सात आठ क्वेश्चन होते हैं उससे ठीक है तो आई होप आप ये समझ गए होगे क्वेश्चन कैसे होते हैं एक बार देख लेना है जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखोगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और ये देखिए इसका आंसर सेट दिया हुआ है आप चाहो तो इसको स्क्रीन ले सकते हो इसका ठीक है टोटल ये देखिए ठीक है वन ट्वेंटी का दिया हुआ है यदि आपने इसको सॉल्व किया है तो आप फिर इसको इससे आप मिला लो ये तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ और नोटिफिकेशन बिल दबा देना क्योंकि मैं रेगुलर क्या करूँगा कि बीट का जितने भी इन्फॉर्मेशन चीज़ों के मैं यहाँ पर दूंगा और रेगुलर मैं क्या करूँगा आपको तैयारी करवाऊँगा आपके एग्जाम तक ठीक है तो बने रहिए और बाकी बच्चों में शेयर कीजिए थैंक यू